कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये फिल्म शुरू होती है एक कपल से। ये कपल आपस में संभोग कर रहे हैं। इसे एंजॉय करने के बाद जब लड़की दूसरे रूम में जाती है तब उसे यहाँ कुछ गड़बड़ दिखती है। वो अपने पार्टनर को बुलाती है। उसे यहाँ कुछ डरावनी सी आवाज महसूस होती है। वो बाथरूम में जाती है पर यहाँ उसे अपना पार्टनर मरा हुआ मिला है। वो शॉक में चीखती है। इस तरह इस सस्पेंस के साथ ये फिल्म शुरू हुई है। ये कहानी दरअसल एली की है। एली काफ़ी बड़ी लॉयर है। फिलहाल वो अपने कलीग से फ़ोन पर बात करते हुए अपने नए घर में एंटर कर रही है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी डॉटर ब्रिटनी कॉलेज स्टडी के लिए बाहर गई है। सैन फ्रांसिस्को में ये घर काफ़ी खूबसूरत है। एली अपने हस्बैंड मार्कस से मिली है। मार्कस और एली अपने मैरिड लाइफ में अब एक दूसरे से अट्रैक्टेड महसूस नहीं करते। रात के समय भी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करके सोते हैं। एली अपनी मैरिड लाइफ पर उदास है। अगले दिन वो ऑफिस पहुंची है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने नए कलीग से हुई है। डेविड को देखते ही एली को अपनी कॉलेज लाइफ याद आ गई। दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। ऑफिस टाइम के बाद डेविड एली को किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। एली ने उसका यह ऑफर कबूल कर लिया। दोनों शाम को रेस्टोरेंट में मिले हैं। डेविड अपने बारे में बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, कोई बच्चा नहीं है। एली बताती है कि किस तरह उसने कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपना ये लॉयर का करियर शुरू किया और फिर मार्कस से शादी की। वो अपनी डॉटर ब्रिटनी की तस्वीर भी दिखाती है। डेविड फ्लर्ट मारते हुए कहता है कि ब्रिटनी एली की ही तरह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ उसे पूछता है कि क्या एली अभी भी उसे मिस करती है। एली इसका कोई जवाब नहीं देती। अगली शाम एली के फ्रेंड ने पार्टी दी है। डेविड वहाँ आना चाहता है। एली इसकी इजाज़त दे देती है। पार्टी में भी वो बड़ी बेसब्री से डेविड का इंतज़ार कर रही है पर अपने हस्बैंड को उसने डेविड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। डेविड जब आता है तब दोनों बड़े खुश हैं। दोनों साथ में डांस करते हैं। डेविड एली का हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करती है। एली इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो वॉशरूम जाती है। वो इस समय उलझी हुई है। डेविड अचानक से यहाँ आ गया। दोनों यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करने लगते हैं। इसके बाद दोनों संभोग करने को ही थे कि तभी एली ने अपने कदम रोक लिए। डेविड इन सब को रोकना नहीं चाहता। वो एली को कन्विंस करता है पर एली बाहर आकर अपनी कैब पकड़ना चाहती है। डेविड उसे रोकने की रिक्वेस्ट करता है पर एली नहीं रुकी। उसे इस बात का अफसोस है कि वो अपनी मैरिड लाइफ के बाहर किसी और शख्स से इतने नज़दीक कैसे चली गई। घर आकर वो देखती है कि मार्कस सो रहा है। अगली सुबह मार्कस और एली साथ में बाथरूम में है। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। इतने में ब्रिटनी यहाँ आ गई। मार्कस अपनी डॉटर को देखकर बड़ा खुश है। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कि सेक्रेटरिस्ट के पास है। पास में उसने काफ़ी साइकिक बिहेवियर दिखाया है। यहाँ वो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी ले रहा है। डेविड कहता है कि अब वो अपने बिहेवियर पर काम कर रहा है पर यहाँ वो ये भी कहता है कि आज के लोग किसी को डेट कर रहा है। वो यहाँ एली का ही जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि बहुत जल्द एली उसकी हो जाएगी। डेविड एली को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है पर एली उसके फ़ोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं देती। एकदम से डेविड एली के सामने आ गया। वो कहता है कि उस रात जो हुआ उसे इस बात का अफसोस है। एली भी कहती है कि उसने भी ज़्यादा पी ली थी पर अब वो उस रात को भूल जाना चाहती है। डेविड उससे और भी बातें करना चाहता है पर एली चली गई। एली जब घर पर है तब डेविड बार बार उसे मैसेज करता है। अंत में एली ने उसे ब्लॉक कर दिया। इतने में मार्कस उसके पास आ गया। एली अपनी घबराहट छिपाना चाहती है। वो मार्कस के साथ चुंबन क्रिया करने लगती है। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। डेविड घर के बाहर खड़ा इन दोनों को संभोग करते हुए देख रहा है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस में मार्कस एली को मिलने आया है। यहाँ डेविड से उसकी बातचीत होती है। बातों बातों में डेविड को मार्कस ने अपने घर इनवाइट कर लिया। अगले दिन ब्रिटनी को डेट पर बुलाने के लिए एक लड़का आया है। इसका नाम स्कॉटी है। मार्कस स्कॉटी के साथ ब्रिटनी को जाने देता है। एली खुश है कि मार्कस ब्रिटनी पर उतनी बंदिशें नहीं लगाता। पर यहाँ अचानक डेविड आ गया कोर्टनी के साथ। वो कहता है कि कोर्टनी उसकी गर्लफ्रेंड है। अकेले में एली डेविड को यहाँ कभी भी नहीं आने के लिए कहती है। डेविड को पसंद नहीं कि कोई उसे यूँ रिजेक्ट करे। कोर्टनी दरअसल एली की ही फ्रेंड है। ऑफिस में कोर्टनी एली को कन्फ्रंट करती है। वो उस पर आरोप लगाती है कि एली डेविड के पीछे पड़ी हुई है। एली उसे समझाती है पर कोर्टनी को डेविड की बातों का भरोसा ज़्यादा है। इस तरह कोर्टनी को डेविड ने अपने जाल में फंसा लिया है। रात को जब एली अपने घर में सो रही है तब डेविड उसके घर में घुसा है। यहाँ एली के पेंटीज को चुरा लेता है। यहाँ उसने एली के घर के हर हिस्से में कैमरा फिट कर दिया है। डेविड अक्सर कोर्टनी के घर जाता रहता है। आज वो एली की पेंटिंग कोर्टनी को गिफ्ट करने लाया है।
वो उसे बताता है कि उसने इसे खरीदा है। आज दोनों को यहाँ आपस में हम संभोग करते हुए देखते हैं। इस संभोग के दौरान डेविड काफी वायलेंट हो जाता है, पर कोर्टनी इसे भी इंजॉय करती है। डेविड एली को अननोन नंबर से मैसेज सेंड करता है, उसने वीडियो भेजी है। इसमें एली और डेविड के बार में साथ में डांस करने की वीडियो है। एली डेविड को वार्न करती है, पर डेविड कहता है कि वो एली को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे एली की जरूरत है। एली डेविड का पता लगाना शुरू करती है, उसकी हिस्ट्री को खंगालती है। वो पाती है कि पास में डेविड के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकल चुके हैं। अपनी कॉलेज फ्रेंड से उसे पता चला है कि डेविड के एक्स वाइफ का नाम डेवरा था। उसे डेवरा को डिवोर्स के बाद भी फॉलो किया था, यहाँ तक कि उसने डेवरा के बॉयफ्रेंड को मार दिया था और फिर डेवरा को भी मार दिया। ये सारा नज़ारा हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये सब अब एली जान चुकी है कि उसके फ्रेंड कर्टनी की जान खतरे में है। वो डेविड के अपार्टमेंट में जाती है, यहाँ वो पाती है कि डेविड ने कंप्यूटर का जाल फैला रखा है। उसे हैकिंग बड़े अच्छी तरीके से आती है। एली की कई सारे प्राइवेट तस्वीरें यहाँ पर हैं, इन तस्वीरों में डेवरा की भी तस्वीरें हैं। इतने में यहाँ डेविड आ गया। जैसे तैसे एली यहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो पाई। अब वो कोर्टनी को बताना चाहती है कि उसकी जान खतरे में है। वो मेल करके कोर्टनी को डेविड के बारे में बताती भी है, पर ये मेल डेविड ने पढ़ लिया, उसने इस मेल को डिलीट कर दिया। कोर्टनी को एली फोन पर बात करती है कि उसकी जान को खतरा है। वो कहती है कि डेविड एक साइकिक है। वो बता देती है कि डेविड ने पास्ट में अपनी एक्स वाइफ डेवरा और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या की है। कोर्टनी डेविड के फोन को चेक करती है। अब वो ये जान चुकी है कि डेविड एली को स्टॉक करता है। डेविड अचानक से उसके सामने आ गया, उसने कोर्टनी को यहीं मार दिया। जब एली यहाँ पहुंची है तब उसे कोर्टनी इंजर्ड मिली है। उसे लगा कि कोर्टनी की सांसें चल रही हैं, पर कोर्टनी मर चुकी है। एली ने डिटेक्टिव को इन सब के बारे में खबर कर दी है। अब उसने मार्कस को सब कुछ सच सच बता दिया है। पहले तो मार्कस एली पर गुस्सा होता है, पर एली कहती है कि एन मौके पर उसने अपने कदम रोक लिए थे, वो सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती है। मार्कस ने भी उसे माफ़ कर दिया है। अब पुलिस डेविड को ढूंढ रही है। डेविड ने इसका भी तरीका निकाला है, उसने एक होमलेस भिखारी को आग लगाकर मार डाला। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं डेविड खुद की हत्या कर रहा हूँ और मैंने ही डेवरा का खून किया था। इस नोट से पुलिस ने यह मान लिया कि डेविड मर चुका है। एली ने भी यही समझ लिया है कि अब तो डेविड मर ही चुका है। एक दिन एली कुछ डॉक्यूमेंट लेने अपने ऑफिस जाती है। डेविड ने एली को मिसगाइड करके ऑफिस बुलाया है। यहाँ एली पाती है कि उसकी असिस्टेंट का मर्डर हो चुका है। वो अब समझ चुकी है कि डेविड मरा नहीं है। उसने डिटेक्टिव को फोन करके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। वो कहती है कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है। डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ अब एली के घर के पास जा रही है। डेविड एली को फोन करके बताता है कि मार्कस और ब्रिटनी अब उसके हॉस्टेज हैं। एली जल्दी से अपने घर पहुंची है। यहाँ वो ब्रिटनी के बॉयफ्रेंड स्कॉटी को मरा हुआ पाती है। वो डेविड को चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर डेविड उस पर भारी पड़ा। एली के वार से डेविड बेहोश हो गया। एली अपने हस्बैंड और डॉटर को आज़ाद करती है। जब ये तीनों भागने को हैं कि तभी घर के बाहर पुलिस वाले को भी डेविड ने मार डाला है। डेविड एली पर अटैक करता है। एली समंदर की तरफ भागती है। डेविड पुलिस वाले की गन से एली को मारने वाला था। मार्कस आकर उसे बचाता है। यहाँ इनमें हाथापाई होती है। अंत में डेविड अब यहाँ इस ऊंचाई से गिरने को है। उसका हाथ एली के हाथों में है। एली ने उसका हाथ छोड़ दिया। डेविड गिरकर मर गया। इन सब बातों को 2 महीने बीत चुके हैं। ब्रिटनी अब वापस कॉलेज जा रही है। ये कपल भी अब यहाँ से मूव आउट करने वाला है। इनका घर ऑन सेल है और ये फिल्म यहीं